सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क नेत्र जांच कर किए चश्मे वितरित। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से जिला पर्यावरण सुधार समिति ने किया आयोजन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाल नगर से बात कर रहा हूं। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय बस स्टैंड सभागार में चालक परिचालकों की आंखों की जांच कर जरूरतमंद 130 पात्र चालक परिचालकों को शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के आतिथ्य में निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। 210 ड्राइवर और कंडक्टर आदि स्टाफ की आंखों का परीक्षण किया गया, जिनमें चयनित 130 लोगों को शनिवार 13 मार्च को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा शिविर के दौरान एक कार्यशाला भी रखी गई, जिसमें यातायात नियम, डू नॉट ओवर स्पीड, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, फॉलो लेन डिसिप्लिन, बी अलर्ट ऑन रोड, यूज हेलमेट एंड सीट बेल्ट आदि पर मौजूद लोगों को जागरूक किया गया। केंद्र प्रबंधक दुर्गा माहिश ने बताया कि चालक परिचालक जिन्हें सवारियों को लेकर सफर करना होता है, वे अपनी आंखों को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, ताकि उनके साथ ही बस में सवार अन्य लोगों की भी जान सुरक्षित रह सके। इसलिए आंखों की जांच और चश्मों के लिए यह शिविर लगाया गया है, जिसमें 210 चालक परिचालकों ने अपनी आंखों की जांच कराई, 130 को चश्मे दिए गए। साथ ही ऐसे परिवार जिन्होंने किसी दुर्घटना में अपने परिजन को खोया है, उनके परिवार से लोगों को बुलाकर उन्हें शॉल प्रदान कर सम्मान भी दिया गया। दौर में पिछले दो दिनों से सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अजमेर जिले के जो हमारे राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर्स हैं, उनका कल नेत्र परीक्षण करवाया। करीब 200 लोगों का नेत्र परीक्षण करने के बाद इन्होंने करीब 125 लोगों को चिन्हित किया जो ड्राइवर्स हैं, और उनको चश्मे की आवश्यकता है। आज उनको निःशुल्क इन्होंने चश्मा वितरण का कार्यक्रम रखा। इसके साथ ही अजमेर शहर और आसपास के इलाके के वो परिवार जिन्होंने रोड एक्सीडेंट्स में अपना कोई बेटा, अपना पति या परिवार का कोई सदस्य खोया है, आज उनके परिवार पे क्या बीत रही है, उन परिवारों को चिन्हित करके और उनके जो सदस्य हैं उनको आज सम्मानित किया, उनको संबल प्रदान किया। और ये संस्था आगे ऐसे परिवार जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से आगे उनको हर तरह से सहयोग करेगी, सहायता प्रदान करेगी। उसके लिए भी वो सक्रिय है। मैं ऐसी संस्था जिला पर्यावरण सुधार समिति, जो न केवल अजमेर में बल्कि सीकर, झुंझुनू इत्यादि जिलों में भी सक्रिय है, ऐसी संस्था, इसके पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हाँ, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के अनुसरण में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसमें हमने कल करीबन 210 ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की आई चेकअप करवाए थे, और जिसमें से 130 जनों के नंबरिंग निकल के आए हैं। तो उसमें हमने पुलिस अधीक्षक महोदय और DYSP परिवहन निगम और डिपो मैनेजर, DTO साहब, RTO साहब, इन सभी के कर कमलों द्वारा इन लोगों को चश्मे वितरित करवाए गए। और साथ ही इन लोगों को ये भी संदेश दिया गया कि ये आई चेकअप निरंतर कराए, और उसके अलावा जैसे जो भी सड़क सुरक्षा की नियम है उनकी पालना करें। साथ ही जिन सड़क नियमों का पालन नहीं किया है, जिन परिवारों का की खुशियां उजड़ी है, जिनके घरों के चिराग बुझे हैं, उनमें से ही किन्हीं 3-4 महिलाओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया और उन्हें हमने सम्मान के तौर पर एक शॉल भेंट की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।